मार्केटिंग अप्रोच हम लोग एक बार देख लेते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग इज़ द सिस्टम वाइड प्रोसेस प्लानिंग एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू इंश्योर द एस्टेब्लिश मेंटेनिंग म्यूचुअली बेनिफिटेड एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। जहाँ पे दो चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा होता है और ऐसे प्रोसेस को, पूरा सिस्टम को बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग ब्रॉडली स्पेसिंग कंसर्न सेलिंग, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग में दो ऑपरेटिंग फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड आइडिया, और दूसरा मार्केटिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड प्रोडक्शन आइडिया, दोनों चीज़ इसमें होती हैं। एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, रिलेशनल, तो ये सब मार्केटिंग के अंदर रहते हैं। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग ये प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, इन सब चारों स्ट्रेटजीज को मिला करके जो बनता है रिलेशनशिप मार्केटिंग बनता है। की कस्टमर मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉयल्टी मैनेजमेंट, ये कुछ तरह का मार्केटिंग होता है। यहाँ पे मार्केटिंग प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे बता रहा है कि कस्टमर क्या चाहता है उस पर रिसर्च किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फॉर्मुलेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। तो ये मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। फंक्शनिंग ऑफ द मार्केटिंग, सबसे पहले मार्केटिंग किस तरह से फंक्शन करता है। सबसे पहले मार्केट को एनालाइज किया जाता है कि यूज़र क्या चाहता है, फिर प्लान किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट में कंट्रोल वगैरह आ जाता है, फैसिलिटेट फंक्शंस। मार्केटिंग अप्रोच में मार्केटिंग एनालाइज, यूज़र एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, कंपटीटिव एनालिसिस, ये सब चीज़ें आती हैं। कस्टमर फोकस, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस, ये सब चीज़ें आती हैं। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव द स्ट्रेटजी नीड टू वर्क आउट ऑफ विच इंक्लूड्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। चार पी इसको बोलते हैं, फोर पीज। इसके आधार पे मार्केट डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और चार और सीज होते हैं, फोर सीज, चार पीज, चार सीज। पी से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब कस्टमर की नीड क्या है, क्या चाहता है वो। कॉस्ट, कौन सा यूज़र पे कर सकता है उसकी प्राइस। कन्वीनियंस, कहाँ पे वो ले सकता है प्लेस। और प्रमोशन, कम्युनिकेशन क्या है, कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये मार्केट मिक्स के अंदर चार चीज़ें होती हैं, चार से चार पी। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, और कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। उसी को इन्होंने विस्तार रूप से दे रखा है, प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है, कोर प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट, स्टाइलिंग, क्वालिटी वगैरह होता है कैसे, इन्होंने पूरा पीएचडी कराने। प्राइस में इन्होंने प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल्स प्राइस स्टेटस को इसका बताएं, प्राइसिंग कैसे होना चाहिए। पूरा इन्होंने इकोनॉमी का थ्योरी ला करके घुसेट दिया। प्रमोशन किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, इन्फॉर्मिंग, पर्सुएशन, रिमाइंडिंग, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, ये सब चीज़ होती है। हेलो भैया, लोन लेंगे, ये सब एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर। प्लेस किस जगह पे करते हैं, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द डिवीज़न ऑफ द मार्केट इनटू डिस्टिंक्टिव ग्रुप बायर्स एंड मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केटिंग मिक्सेस। कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, बायर्स में, बायर मतलब ख़रीदार जो होते हैं, और प्रोडक्ट्स में। इट इज़ डिवीज़न ऑफ हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। हेट्रोजीनस मार्केट मतलब वहाँ पे हर चीज़ होती है, उसको होमोजीनियस ग्रुप में बना दिया जाता है। जैसे एक क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, लेकिन 10 बच्चे जो मैथ्स के हैं उनको अलग कर दिया जाए, जो बायोलॉजी के हैं अलग कर दिया जाए, तो उसको होमोजीनियस ग्रुप्स बोलते हैं। इससे क्या होता है, इजियर मार्केटिंग हो जाता है, फाइन नीश से लेस कंसंट्रेटेड बायर्स कैन बी टारगेटेड न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स। तो मार्केटिंग अच्छे से हो जाता है, और उसके बाद जो स्पेसिफिक व्यक्ति होता है उसी के पास हम लोग जाएंगे। एफिशिएंट भी होता है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। और लार्ज इनफ होता है, हमें डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता है, रीचेबल होता है, इंटरनेट होता है। तो जो हम लोग बांट देते हैं ऐसे कई जगहों पे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, सब जेएनयू वाले हैं
जो बांट करके हर चीज़ देखते हैं। जियोग्राफिकल सेगमेंट किस तरह से सेगमेंटेशन किया जा सकता है, जियोग्राफिकल हो सकता है मतलब कई क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, स्टेट रीजन कंट्रीज से। डेमोग्राफिक हो सकता है कि लड़कियों के लिए सेक्स के आधार पे, जैसे लड़की लड़का उसके आधार पे हो गया। नेशनलिटी के आधार पे हो सकता है, इनकम के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सोशल नीड्स, इन सब चीज़ों के आधार पे। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया, पर्सनल सोशल इस तरह से। बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। एटीट्यूड, ब्रांड रिस्पांस, मार्केटिंग, जब कोई महंगा फ़ोन लेकर के या अच्छा कपड़ा पहन के जाता है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, जब कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के जाता है उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, तो ये बिहेवियरल सेगमेंट भी होता है। तो ये सब मार्केट ने बनाया है। अगर आपके अंदर ऐसे चेंज आ रहा है तो आप मत समझो ये सब चेंज नहीं आ रहा, ये सब मार्केट ने बनाया है। इसीलिए हमें ये सब पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजीज फॉर मार्केट सेगमेंट, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कॉन्सनट्रेटेड मार्केटिंग, ये तीन स्ट्रेटजीज होती हैं। अनडिफरेंट मतलब वेयर ऑल पीपल आर सिमिलर आइडेंटिकल नीड्स, जहाँ सारे लोगों के पास एक सिमिलर आइडेंटिटी होती है, जैसे कोई लाइब्रेरी हो गया वहाँ से सारे बुक ही लेने जाएंगे, कोई रुपया पैसा तो लेने जाएगा नहीं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, लेकिन ऐसा दूसरा मार्केट हो सकता है जहाँ मछली भी खरीदने जाते हैं लोग, सब्जी भी खरीदने जाते हैं, कपड़ा लत्ता भी खरीदने जाते हैं, छप पकौड़ी भी खाने जाते हैं और तमाम प्रकार की क्रियाएं करने जाते हैं। कॉन्सनट्रेटेड मार्केटिंग होता है जो एक फिक्स यूज़र के ऊपर किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स का इतना ज़्यादा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है, पहले तो महिलाओं के ऊपर ही किया जाता था, अब पुरुषों के ऊपर भी किया जाता है। ये जितने भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनाई जाती हैं, ये इसीलिए बनाई जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस का अगर आप विद्यार्थी रहे होगे तो उसमें जब ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ते होगे तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप उसमें जानते होगे कि इन लोगों को मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया इसीलिए बनाया जाता है कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वेस्टर्न के, वो सब यहाँ पे बेचे जा सकें अच्छे से। मार्केट, तो आप लोग अगर ये सब यूज़ करते हो तो उसके आप गुलाम हो। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, तुम अपना पढ़ाओ, ज्ञान कहाँ बांट रहे हो, ज्ञान कहाँ बांट रहे हो, पेपर की तैयारी करवा रहे हो कि ज्ञान बांट रहे हो। चलो हम ज्ञान बांटना बंद कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।